हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? नहा धो के बैठ चुका हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये टॉपिक पे मुझे हमेशा वीडियो बनाने का बहुत शौक था, और जो मेरे थॉट्स है, जो मेरे विचार है, मुझे हमेशा शेयर करने का शौक था। तो टॉपिक दोस्तों है काइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, दरिया दिली। पता नहीं काइंडनेस आज की दुनिया में लोग इसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन काइंडनेस की बना रखी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि काइंडनेस आज के दुनिया में काम करती नहीं है। जो काइंड इंसान होता है उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, उसकी सब ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब उसका हमेशा नुकसान ही होता है। तो काइंड बन के क्या फ़ायदा फिर, है ना, जब सब फ़ायदा उठाए तो। दोस्तों आपको ना ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको काइंड बनना क्यों है। यस, आपको काइंड बनना क्यों है? अगर आप काइंड बन रहे हो किसी का एक्सेप्टेंस पाने के लिए, मतलब या तो किसी को लुभाने के लिए या तो किसी को खुश करने के लिए, तो वो काइंडनेस नहीं है। वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती दोस्तों। वो एक तरीके की एक्टिंग है जो आपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि आप किसी को खुश करोगे तो रिटर्न में मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी या तो मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ नहीं है, ऐसे काइंडनेस काम नहीं करती है। क्योंकि काइंडनेस में आप अब दूसरों के एक्शंस पे कंट्रोल नहीं करते दोस्तों, आप खुद के एक्शंस पे कंट्रोल कर सकते हो लाइफ में। और अगर आप ये इच्छा रखते हो कि मुझे सामने वाले से भी वही चीज़ मिले जो मैं आपको उसको दे रहा हूँ, तो दोस्तों ये कभी होगा कभी नहीं होगा। तो इसमें अगर आप वो नतीजे पे पहुँच जाओगे कि यार मैंने तो इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मैंने अपने इसको बहुत काइंड बन के इसके सामने पेश आया था, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब मेरा तो फ़ायदा ही उठाया, तो दोस्तों इसमें आपकी गलती है कि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो। सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करना है, सबसे पहले यही समझना है कि काइंडनेस से कोई छोटी चीज़ नहीं है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये जीना, ये ज़िंदगी जीने का तरीका है दोस्तों। ये कोई शॉर्ट टर्म में कुछ की गई चीज़ें नहीं है जिसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और वैसा नहीं होता। ये एक मैराथन है और इसको आपको ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करना है। ये जो बीज लगाया हुआ है ना, ये आपको ज़िंदगी के आखिर में फल देगा। या तो ज़िंदगी जब इसको आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना हमेशा, तो ये बाद में फल देता है। अगर किसी को लुभाने के लिए ही कर रहे हो तो ये चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि वो एक तरीके से एक्टिंग है, वो एक्टिंग नहीं चलती ज़्यादा देर तक। और काइंडनेस क्यों ज़रूरी है आपको समझना पड़ेगा। कि आपने भी देखा होगा कि बहुत बार एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो बहुत ही ओहदे से बड़ा हो, जिसने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पा की रखी है, पैसा है उसके पास, शोहरत है, पर आप उससे जब बात करते हो, समझो टकरा गए उससे, और आपको पता चला कि यार ये साला मतलब ठीक से बात भी नहीं की उसने मुझसे, तो क्या मतलब आपने तो 2 मिनट में उसको जज कर लिया कि यार बंदा 2 कौड़ी का है। भले ही उसके पास सब कुछ है पर बंदा 2 कौड़ी का है। तो काइंडनेस के बिना ये सारी चीज़ें कुछ ही नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें आपको आखिर में पता चलेगी, क्योंकि ज़िंदगी में ना सब कुछ कमा सकते हो आप, पैसा, धन दौलत, पर असल में जो चीज़ अगर आप कमाई करना चाहते हो और जो चीज़ कमाई आपके काम आएगी, वो इंसान को कमाना, और वो इंसान पैसे से नहीं कमाया जा सकता है। यस से उसको कमाने के लिए आपको काइंड होना ज़रूरी पड़ेगा, आपको नरम दिल होना पड़ेगा, आपको ठंडा दिमाग रखना पड़ेगा। और ये जो ज़ुबान है ना, ये जो तीर से ज़्यादा घाव करती है, यस ये तीर से ज़्यादा घाव करती है, और इसको अच्छे से यूज़ करो ना तो ये चाशनी से भी ज़्यादा मीठी हो सकती है। इसको समझने की ज़रूरत है कि ये आपको बेहतरीन से बेहतरीन फीलिंग भी दे सकती है, मतलब इतनी गजब फीलिंग कि आप महसूस करोगे कि आप जन्नत में हो।
और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे ज़िंदगी में, तो दोस्तों आपको ये नरक फील इस धरती पे ही फील करा देगी। यस, इस धरती पे ही फील करा देगी, सच में। और दोस्तों जब तक आप अपनी लाइफ में ये फील करते रहोगे ना कि मैंने सब कुछ किया, या घमंड वाली फीलिंग जब तक रहेगी ना आपके अंदर, तो आप काइंडनेस के नज़दीक तक भी नहीं जा पाओगे। तो काइंडनेस दिखाने के लिए और रियल में अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए आपको ये फील करना पड़ेगा, या आपको महसूस करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, जब ये चीज़ें आप समझोगे ना तो ही काइंडनेस आएगी। इससे पहले आप जो काइंडनेस दिखाओगे ना, तो वो एक तरीके से एक्टिंग कहलाई जाएगी, और वो ज़्यादा देर तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो लाइफ में ना जीरो समझना बहुत बड़ी बात है, अपने आप को शून्य। यस, जब आप ये सोच रहे होगे कि शून्य समझने से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी, तो दोस्तों आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो इंसान ने अपने आप को जीरो समझ लिया, शून्य समझ लिया ना, कि वो पार हो गया इस दुनिया से, मतलब हो गया उसका मोह माया से और ये घमंड और ये सब चीज़ों से पाला हट गया उसका। अभी उसके अंदर से रियल काइंडनेस बाहर निकलेगी और वो झलकेगी बाहर। यस, वो एक्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि उसे उसने दिखा दिया ना कि वो जीरो है यार, वो कुछ नहीं है। जब उससे कोई बात करेगा तो यार उससे हर कोई इंसान रिलेट कर पाएगा कि यार नहीं, कुछ नहीं यार, इससे बात करो तो एकदम मन करता है कि बात करते जाए करते जाए करते जाए। यस से, और काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई भी आना चाहेगा, और जो आएगा ना, तो दोस्तों वो ज़िंदगी भर जाएगा नहीं। और ये काइंडनेस की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो एक बार जो इंसान उसके लाइफ में आ जाता है, तो वो जाता नहीं है, खुद नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर एक इंसान को दोस्तों ज़िंदगी में प्यार चाहिए। और किसी भी इंसान से थोड़ा सा भी प्यार मिल जाता है लाइफ में, किसी से भी कोई अच्छे से बात भी कर लेना, यार ज़िंदगी में कैसे कैसे लोग पड़े, इसमें से थोड़े से भी कोई हमें बात अच्छे करने वाले भी मिल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार इससे चलो थोड़ा बहुत बात करके तो दिल शांत होता है। तो काइंड इंसान के साथ में हमेशा लोगों का साथ रहेगा। यस, वो क्या फ़ायदा दोस्तों पैसे कमा के, धन दौलत कमा के और सब कुछ कमा के, जब आप एक कमरे में अलग पड़े हो और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इससे बढ़िया तो ये है ना कि आप ज़िंदगी में काइंड हो और आपका साथ निभाने के लिए इतने सारे लोग हो, भले ही दोस्तों पैसों से कहीं कहीं ज़्यादा ये सब चीज़ें। अब ये सारी चीज़ों पे लोग फोकस नहीं करते ज़िंदगी भर में, पर सच में दोस्तों असली दौलत यही है हमारी। हम दौलत कमा लेंगे और कोई और इसका मज़ा उठाएगा, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिस वो रह जाएगी यहाँ पे, और इसके ज़िंदगी में और नए नए इसके मालिक बनेंगे, ओनर बनेंगे। पर ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसके मालिक आप ही रहोगे, और ज़िंदगी जब ख़त्म होएगी ना, तो लोग सैल्यूट करेंगे आपको, ये सैल्यूट करेंगे। और सैल्यूट नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, आप ज़िंदगी भर सुकून से तो जियो ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मरने के बाद में किसने दुनिया देखी है, कोई मुझे गाली दिया है क्या नहीं दिया है, पर जब तक आप जियो, बहुत सुकून से जियो, और आपको लोगों ने प्यार दिया है, वो काफ़ी है यार। तो वो चीज़ें सारी सब काइंडनेस से ही मिलेगी। आप दुनिया में कुछ भी कर लिया, आप कितने भी जीनियस हो, आप कितने भी बड़े ओहदे पर हो, पर दोस्तों जो रिस्पेक्ट जो दिल से निकलती है ना, वो एक काइंड इंसान के लिए ही निकलती है। वो जो दुआ है ना, वो एक सच्चे दिल वाले के लिए निकलती है, मैन विद अ गोल्डन हार्ट उसके लिए ही निकलेगी, पैसे रुतबे वालों से नहीं निकलती वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और काइंडनेस को इसलिए मत दिखाओ कि यार मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए, या तो मुझे किसी को खुश करना है। अपने आप पे कंट्रोल रखो। काइंडनेस यही है कि हमें सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं जितना करूँगा मैं सब सही करूँगा, सामने वाला चाहे भाड़ में, वो अपने कर्म बना रहा है, मैं अपने कर्म बना रहा हूँ,
मुझे मेरे कर्मों का हिसाब देना है। आई एम नॉट अकाउंटेबल ऑफ अदर्स कर्मा। यस, दूसरों के कर्मा का मुझे हिसाब नहीं देना है। तो इसीलिए काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, भले ही आपके साथ में कोई बेकार करे। और झुकना का नाम नहीं है काइंडनेस। यस, इसको भी गलत नहीं लेना है कि मैं झुक गया किसी के सामने, या तो मेरे से कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो फिर भी मैं इसको सही जा रहा हूँ। नहीं, नहीं सहना। आप बोल सकते हो, विरोध कर सकते हो, और कोई चीज़ समझ के बाहर है सामने वाले की तो पीछे हट सकते हो यार। कोई बेमतलब की गंद फैला के कोई मतलब नहीं, आप पीछे हट जाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप ये चीज़ें लोगों को ज़िंदगी के अंत में समझ में आती है, पर ऊपर वाले की दया से ये समझो कि लाइफ के छोटी उम्र में थोड़ी बहुत समझ में आ गई है। पर यही चीज़ आखिर में आपको रियलाइज़ करवाएगी कि यही असली दौलत है। और इंसान आपकी लाइफ में ज़्यादा रहे, आपने ज़िंदगी में वो चीज़ को कमाया है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। पैसा, धन, दौलत, ये चीज़ें आपको ठीक है, अच्छा फील कराएगी, पर रियल में जो आपको मन की जो शांति देगी ना, वो आपका ये काइंडनेस होगी। तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करने से आएगी, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जी हाँ दोस्तों, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये सब चीज़ें करनी है। एक्सपेक्टेशन के साथ में करोगे तो टूट जाएगी, क्योंकि वही बात, आप खुद के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाले के नहीं। ठीक है, इतनी देर नॉन स्टॉप मैंने काइंडनेस के ऊपर सब चीज़ें बोली है। तो ये सारे चीज़ में दोस्तों काइंडनेस के मैं सोचता हूँ, और ये मेरे सारे विचार है काइंडनेस के ऊपर। और रिटर्न में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि सामने कुछ भी हो, अगर नहीं मिल रहा है पीछे हट जाओ। अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, काइंडनेस की डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे सामने वाले से नहीं मिला तो मैं उस चीज़ को अपने आप को चेंज कर दूंगा। जो मेरी गोल्डन क्वालिटी है उसको नहीं चेंज करना है दोस्तों। ये जब लॉन्ग टर्म में आप लेके जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप अलग ही दुनिया पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और आपका कोई सुझाव है तो आप हमेशा की तरह मोस्ट वेलकम हो। और क्या बोलूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। यस, आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।